नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग के बारे में, जो है तंजौर तमिलनाडु की पेंटिंग। चोल डायनेस्टी के टाइम में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तमिलनाडु के जो तंजूवर सिटी है, उस टाइम पे तंजौर जो है वो चोल डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करता था। तंजौर सिटी, वहाँ से ये तंजौर पेंटिंग की स्टार्टिंग मानी जाती है, जो बेसिकली एक रिलीजियस और स्पिरिचुअलिस्टिक पेंटिंग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें प्रॉपर मतलब प्योर गोल्ड और सिल्वर का काम किया जाता था, जिसकी वजह से ही बहुत एक्सपेंसिव होती थी। ये यूजुअली राजा महाराजों और सम्राटों के देवी देवताओं की जो वो होती थी, पिक्चर्स होती थी, उन्हें बनाया जाता था। इसीलिए इसमें गोल्ड और सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन्स लगाए जाते थे। तो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, चोल डायनेस्टी के टाइम का जो एक मंदिर है, बृहदेश्वर टेंपल है जो तंजौर में, वहाँ देखा जाता है। मतलब इसकी शुरुआत ऐसे ही पेंटिंग्स जो बृहदेश्वर टेंपल है उसके जो केव्स वगैरह, वहाँ पे ये पेंटिंग देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि चोल डायनेस्टी के टाइम पे तंजौर पेंटिंग की जाती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी स्पेशलिटी है इसमें लगे हुए प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स और ग्लास बीड्स, और सबसे ज़्यादा 24 कैरेट गोल्ड एंड सिल्वर फॉइल, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा इंट्रिकेट और इतनी एक्सपेंसिव और इतने प्रीशियस हैं। और इसमें होता था ये एम्बॉस्ड, यानी कि 3D इफ़ेक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं उभरा हुआ है पेंटिंग, जहाँ जहाँ पे एम्बॉस किया जाता था, जैसे उसे वहाँ पे गोल्ड या सिल्वर फॉइल लगा दिया जाता है, जिससे कि ये एक अलग ही उभार, एक 3D इफ़ेक्ट आता है। और ये अंधेरे कमरे में भी रोशनी कर देता है, मतलब कमरे में अगर अंधेरा हो तो भी ये पेंटिंग दिख जाती है। तो शायद इसीलिए इस पेंटिंग जो ये जो पेंटिंग है 15-20 हज़ार से शुरू के 10-15 लाख रुपए तक इसकी प्राइस पहुंचता है। मोटिव्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ देवी देवता बनाए जाते हैं, विष्णु के अवतार, विष्णु भगवान के अवतार, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं राम कृष्ण और जो भी उनके अवतार हैं, दश अवतार, उन सबको इसमें दिखाया जाता है। विष्णु भगवान के अवतार के अलावा इसमें दिखाए जाते हैं लक्ष्मी माता के जो अवतार हैं अलग अलग, जैसे कि गज लक्ष्मी, और लक्ष्मी के अलावा सरस्वती माता। तो इस तरह से इसमें सिर्फ और सिर्फ देवी देवता या उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, अगर गज लक्ष्मी है तो उसमें हाथी दिखाया जाएगा, और इसी तरह से अगर लक्ष्मी माँ हैं तो उसमें आपको कमल देखने को मिलेंगे। तो देवी देवताओं से जुड़े ही सारे जो चीज़ें हैं वही दिखेंगे इसमें आपको, और कुछ नहीं होता। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें विष्णु और लक्ष्मी, जैसे ये अष्टलक्ष्मी हैं, तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता ही दिखाए जाते हैं मैक्सिमम तंजौर पेंटिंग में। विष्णु भगवान के अवतार, खासकर कृष्णा, कृष्णा जैसे कि आप पूरे देश में जितनी भी पेंटिंग्स सब जगह देखेंगे, हर जगह आपको राधा कृष्ण की पेंटिंग्स मिलेंगी, पर सिर्फ एक ही तंजौर पेंटिंग ही है जिसमें आपको कृष्णा के साथ उनकी सखियां और यशोदा माता के साथ, ये देखिए यशोदा माता के बाल खींचते हुए। इसके अलावा कृष्णा के साथ आपको सत्यभामा और रुक्मणी भी दिखाई देंगे, और ये देखिए बाल कृष्ण अपने बाल लीला करते हुए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें राधा कृष्ण से ज़्यादा कृष्णा के साथ सत्यभामा और रुक्मणी को ज़्यादा दिखाया जाता है, मतलब एक रियल लाइफ, सारा जो क्रिएटर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी इमेजिनेशन है, कैसी लाइफ रही होगी भगवानों की, उससे रिलेटेड मतलब सारा, मतलब अपना पूरा उनका जो ज्ञान जो है सब एक कागज़ पे उतार देने वाली बात है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कृष्णा के अलग अलग जगह अलग अलग स्वरूप, और अलग अलग जगह कहीं यशोदा माता के साथ, कहीं रुक्मणी के साथ, तो कहीं सत्यभामा के साथ। तो इस तरह से ये जो ये गजलक्ष्मी के हैं, और ये है
गणेशा की माँ गजर जननी यहाँ शिव और पार्वती नंदी पे बैठे हुए। तो इसमें आपको तंजोर पेंटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान दिखेंगे या उनसे रिलेटेड उनके जो साथ होते हैं वो दिखेंगे सब, जैसे हाथी घोड़ा और पिकॉक। तो इस तरह से बात हुई हमारी ये तंजोर पेंटिंग के मोटिव्स के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है लक्ष्मी के तरह तरह के अवतार और तरह तरह के अवसर जो उस टाइम पे, पहले के टाइम पे उन्होंने जो अपने एंसेस्टर से जो भी कहानियाँ सुनी देवी देवताओं की, उसके आधार पे उन घटनाओं से इंस्पायर होके ये पेंटिंग बनाई जाती है। तो प्रोसेस की बात करें तो कटहल का, जैक फ्रूट या सागौन की लकड़ी को रिक्वायर्ड शेप देकर उस पर गम यानी नेचुरल गोंद की एक लेयर लगाई जाती है जो इमली के बीज से बनता है। उसके बाद इसके ऊपर एक कपड़ा चिपकाया जाता है, फिर छोड़ देते हैं। फिर उस कपड़ा जब वो चिपक जाता है तो उसके बाद जेसो यानी चौक और गम, नेचुरल गम का पेस्ट की एक लेयर लगाई जाती है, और जब ये सूख जाता है तो एक स्टोन से रगड़ के इसे स्मूथ किया जाता है। और ये जो फ्रेम तैयार है इस पर एक रफ स्केच बनाते हैं, और उसके बाद जेसो से इसमें एम्बॉसिंग होती है। जैसा मैंने बताया आपको, जेसो जो बनता है इमली के बीज से और गम को मिला के बनाया जाता है, जिससे एक उभरा हुआ एम्बॉस इफेक्ट आता है। तो यानी जिस पार्ट को उभारना होता है उस पर वहाँ पर जेसो लगा दिया जाता है। ये देख रहे हैं आप, डबल लेयर लगा दी जेसो की, और फिर यहाँ पे गोल्ड प्लेट कर दी जाएगी, गोल्ड फॉइल की एक प्लेट लगा दी जाएगी। जब जेसो ड्राई हो जाता है तो उस पर सिल्वर या गोल्ड का फॉइल चिपका दिया जाता है। इस तरह से बॉर्डर, स्पेशली जो ये जो बॉर्डर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं और जो थ्रोन्स होते हैं, ये देखिए जैसे इसमें बैठे हैं, सिंहासन है, मुकुट है, ज्वेलरी, ड्रेसेस, ये सब हाईलाइट की जाती हैं गोल्ड से। तो एक अलग इफेक्ट आता है इनका, एक उभर के आता है, 3D इफेक्ट आता है इन सब ज्वेलरीज को, एसेसरीज का और महलों का। बाकी जो एरिया होता है उसमें ग्लास बेज, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और डेकोरेटिव आइटम्स, लेस वगैरह लगा दी जाती है, और जो पार्ट बचता है उसमें कलर कर दिया, बहुत ही ब्राइट कलर कर दिया जाता है ताकि अदरवाइज वो बहुत ओवर शेडोड हो जाएंगे गोल्ड से, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। और जब पेंटिंग सूख जाती है तो उसे ग्लास पैनल से कवर कर दिया जाता है। तो इस तरह से तैयार होती है तंजोर पेंटिंग। तो अब आपको पता चला ये इतने एक्सपेंसिव क्यों होती है, बहुत हार्ड वर्क, बहुत पेशेंस, एक छोटी सी गलती, पूरा गोल्ड वेस्ट। तो इस तरह से ये पेंटिंग बनाई जाती है। अब इसके रक्षक की बात करें तो एल रामानुजन जो हैं, उन्होंने इस पेंटिंग को संभाल के रखा, बहुत सारे लोगों को सिखाया, और इसी कारण से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए, नेशनल इंटरनेशनल बहुत अवार्ड्स मिले इन्हें, क्योंकि इन्होंने इस जो हमारा इतना प्रेशियस पेंटिंग है इसको संभाले रखा और तमिलनाडु के लोगों को सिखाया भी ताकि ये गायब ना हो जाए। तो इस तरह से आपने ये देखा, ये है हमारी तंजोर पेंटिंग। दिस इज सो क्लासी, सो प्रेशियस, सो एंटिक, बट स्टिल सो क्लोज टू आवर हार्ट। इस पे कभी भी राजा महाराजा, मुगल और अंग्रेज़ों के साथ इस पेंटिंग ने कभी भी समझौता नहीं, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि और सब पेंटिंग्स में तो राजा महाराजा चेंज होते मुग़ल और अंग्रेज़ों के आने पे उनकी पेंटिंग्स बननी स्टार्ट हो गई, पर तंजोर पेंटिंग में हमेशा से देवी देवताओं को गोल्ड में मोल्ड करते आ रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। तो ये देखा आपने, इसीलिए दिस इज सो क्लोज टू माय हार्ट। तो आशा करती हूँ आपको ये इतनी हाई क्लास, इतनी मोस्ट प्रीशियस और मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट आपको पसंद आएगी, डेफिनेटली पसंद आने वाली चीज़ है। इसकी बात करें तो इत्सी और ऐसी 2-3 साइट्स और हैं जिनमें ये पेंटिंग्स मिल जाती हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पर एटलीस्ट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह में इनका स्मॉल वर्जन मिल जाता है, वो लिया जा सकता है, जो आपको 1,000-1,500 से शुरू हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया।